भागलपुर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर आज जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय में संबंधित सभी पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि हर चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट को दुरुस्त किया जाए, उल्टा पुल एवं विक्रमशिला पुल पर लग रहे जाम पर विशेष बल लगाकर इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का कार्य करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सड़क के किनारे बने अवैध तरीके से चल रहे दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि बीते दिनों विक्रमशिला पुल पर महाजाम लग गया था, जिसमें हजारों लोग घंटों परेशान हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर में यातायात व भीड़ की भीड़भाड़ से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी के बातों का अमल कहां तक हो पाता है और लोगों को कहां तक सुविधा मिल पाती है। भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी, डीडीसी कुमार अनुराग, एसएसपी आनंद कुमार, एसडीएम अशोक कुमार, एसडीपीओ शिवानंद सिंह, बीडीओ अभिमन्यु कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्रपैती प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी की सादगी और सामान्य व्यवहार को देख प्रपैती क्षेत्रवासी उनके मुरीद हो गए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की एवं उन्हें कक्षा में पढ़ाई के विशेष गुण सूत्र और अनुशासन में रहने के लिए भी बताया। साथ ही वैसे बूथ जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, उन बूथों के वोटरों से भी मिलकर वोट करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वोटरों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों वोटिंग प्रतिशत इतनी कम है। उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील की। 26 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव है, जिसके तहत हम लोग विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। खास करके ऐसे बूथ जहां पे कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम था, वहां के वोटर से हम जानना चाह रहे हैं कि किस कारण से वोटिंग प्रतिशत कम था। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्हें कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई खास व्यक्ति तो उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। और उन सभी लोगों से मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि बूथ पर 26 अप्रैल को आ करके सभी लोग, परिवार के सभी लोग जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग आकर के वोट करें। इसी पर्पस से मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसटीओ, एसडीपीओ और पूरी टीम हम लोग क्षेत्र में घूमने जाएंगे। भागलपुर के गौशाला से आज खाटू श्याम की भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवक एवं बच्चे शामिल हुए। यात्रा में लोगों ने निशान लेकर गाजे बाजे के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। मारवाड़ी समाज के तत्वाधान में निकाली गई निशान पदयात्रा में आकर्षक ढंग से रथ बनाकर भगवान खाटू श्याम को फूलमाले के साथ सजाकर गाजे बाजे के साथ भक्त चल रहे थे। जगह जगह पर निशान शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वही निशान शोभा यात्रा में मारवाड़ी समाज के अलावे भी कई महिला पुरुष शामिल हुए। भागलपुर समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आज पॉक्सो एक्ट पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से भागलपुर के बिकनपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। वही कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण के सभी आयाम को पूरा करने और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर मानसिक प्रताड़ना किसी भी तरह नहीं दी जाए, इस पर वार्ता की गई। वही जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर गलती करते हैं तो उसे सजा दी जाए, लेकिन उनके नाम को कहीं भी प्रकाशित ना करें, इससे उनमें और उग्रता बढ़ती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वस्थ मानसिकता फिर से उत्पन्न की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, बरिया पुलिस अधीक्षक के अलावे जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी एवं शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो हम लोग का बाल संरक्षण की पॉलिसी बने, किस तरीके से डिफरेंट एक्ट बने हैं, उसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट है। जो कभी इंटेंट होता है एक्ट का, या कई चीज़ें होती हैं वो एक्ट में लिखी नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे कारण है। अब मतलब क्या हुआ कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई क्राइम करता है, तो हमने आपको समझा दिया वो फ्लूइड है, आप उसको फिर से अच्छे बर्तन में डाल दीजिएगा, उसका शेप ले लेगा, उसके एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है,
वो पनिशमेंट, वो गलती किया है, लेकिन गलती क्यों किया, उन परिवेश में आकर के गलती किया है, हो सकता है भावना में आके गलती किया हो, तो उन बच्चों को संवारने की जरूरत है, उसको अच्छे शेप में डालने की जरूरत है, अच्छे एनवायरमेंट में डालने की जरूरत है। 80 बच्चों को जो है एक सलाह दिया गया, विधिक सलाह दिया गया हमारे लीगल एड क्लिनिक के द्वारा, 5-6 बच्चों को जो है विधिवत जो है कि पहला लाभ उपलब्ध कराया गया है। तो जितने CWPO हैं उसे मेरा रिक्वेस्ट है जो है कि वे DLSA की इस संस्था का फायदा उठाया जो है, यूज करें जो है, इसके साथ ही हर थाने में जो है एक PLP नियुक्त है जो बचपन बचाओ आंदोलन के अभियान के तहत है जो है, और उनकी ड्यूटी है कि जो है जहां बच्चे कहीं मिसिंग है उनके एरिया में जो है, तो उन बच्चों की सूचना DLSA को उपलब्ध कराएं जो है। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर इकाई द्वारा बीते 6 दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक व साहित्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी 23 मार्च शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी कराने का निर्णय लिया गया है। ये शानदार 61वीं प्रस्तुति है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि एक से बढ़कर एक कविता की प्रस्तुति देंगे। वही कार्यक्रम के प्रभारी जगदीश चंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू ने बताया कि इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जगदीश चंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू ने दी। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। बड़ा हर्ष का विषय है कि भागलपुर की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने पुनः इस वर्ष भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। 61वीं प्रस्तुति होगी इस बार की, और चीर परिचित अंदाज में देश के नामचीन मूर्धन्य कविवर अपनी रचनाओं से भागलपुर के श्रोताओं को ओतप्रोत करेंगे।